सो हेलो गाइस, आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है उस स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 12th फ्रेशर पास आउट है और जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। क्योंकि गाइस, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कुछ ऐसी ज़रूरी बातों के ऊपर जो कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है DHE ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन जो है, उसने एक नोटिस निकाला था आपके एडमिशन्स के लिए। उसमें कुछ ज़रूरी बातें उन्होंने बताई थी जिनके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल बातें और हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देखिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखेंगे कंप्लीट, है विश्वास मुझे आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम आ चुके हैं DHE की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर एक नोटिस आया था आपके एडमिशन्स के रिगार्डिंग। उसको हम डाउनलोड करते हैं। उसमें कुछ ज़रूरी बातें थी, यहाँ पर देखिए, रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर UG कोर्स फॉर द सेशन 2022-23। इसको यहाँ पर मैं डाउनलोड करता हूँ और फिर इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लेना एक एक बात को ताकि आपको जो है एडमिशन्स के दौरान कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये वो नोटिस है। ये सारा का सारा जो मैंने आपको है एक वीडियो में बता दिया था पढ़ के। आज हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ से पॉइंट नंबर 4, फीस फंड स्ट्रक्चर फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज शैल बी एज पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फीस होगी, ठीक है, आपके कोर्सेज की, वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए बता देता हूँ, नॉर्मली फीस जो होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, लगभग यहाँ पर आपकी 5,000 से 10,000 के बीच होती है, ठीक है। यानी कि किसी कोर्स की 4,000, ठीक है, 1 ईयर की किसी की 5,000, किसी की 6,500-7,000, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है। बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो उनकी फ़ीस थोड़ी हाई होती है, जैसे कि 12,000-15,000, ठीक है, समझ गई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, नो चेंज विल बी अलाउड, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर फ्रीजिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीट्स, सो द कॉलेजेस आर एडवाइज्ड टू फिल द कॉम्बिनेशन सीट्स एज पर द रिक्वायरमेंट कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस ईयर एडमिशन ट्रेंड्स। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है, अगर एक बार आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फ्रीज कर दिया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नहीं समझे होगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप कर रहे हो BA, ठीक है, समझना ध्यान से, उसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा कुछ और ले लीजिए, फाइन आर्ट्स हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आप BA करोगे तो आपको कोई भी 4 सब्जेक्ट जैसे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आपने जैसे सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और इसके साथ ले ली संस्कृत, ठीक है, लेकिन आपने जो है फ्रीज कर दिया इसको, यानी कि फॉर्म भर दिया। अब यहाँ पर आपका मन किया कि भाई मुझे जो है संस्कृत नहीं पढ़नी, मुझे जो है ज्योग्राफी पढ़नी है, तो वो जो है फिर चेंज नहीं होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या सीख लेनी है कि जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट तुम्हें लेना है उसका पहले ही अपना डिसाइड कर लो, ठीक है, और जब फॉर्म भरो तो आपसे यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरवाए जाएंगे कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो आप लोग उसमें वही सब्जेक्ट्स भरना जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जब फॉर्म भरोगे तो ये बात ध्यान रखना, ओके। पॉइंट नंबर 6, PPP। अब ये PPP क्या है, हॉर्न नहीं है, ये है परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID जिसको हम बोलते हैं हरियाणा के अंदर, वो यहाँ पर जो है मैंडेटरी है हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, PPP शैल रिमेन मैंडेटरी फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग एडमिशन इन डिग्री कॉलेजेस, ठीक है। यानी कि अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हैं और हरियाणा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके पास फैमिली ID होनी चाहिए। अब यहाँ से समझ जाओ, जिसके पास नहीं है अपनी बनवा लो, वरना एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा था ज़रूरी बातें हैं, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 7, इन केस ऑफ कोर्सेज हैविंग मल्टीपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, इट शैल बी मेड मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू चूज मिनिमम 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस इन 1 कॉलेज ओबलिंग डिफरेंट कॉलेज एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म। अब ये फिर से आपके लिए ध्यान से सुनना,
कि भाई यहाँ पर जैसे आप बीए कर रहे हो, वही एग्जांपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए कि भाई सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है, ये है कहने का मतलब। जैसे कि आपको कोई ये कहे कि भाई बीए जैसे तुम्हें करनी है तो तुम्हारे पास ये 10 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, तो वो हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कि भाई जैसे तुमने कोई भी 4 कर लिए, हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी संस्कृत, ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन आप जो है बना सकते हो, ठीक है, ओके। यानी कि जैसे आप एडमिशन के लिए कोई भी कॉलेज में गए, सॉरी फॉर्म भरने गए दुकान के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर फॉर्म भर रहे थे, आपने सेलेक्ट किया मुझे बीए करनी है, तो अब वो जो है आपको 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के लिए बोलेगा। तो जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसमें दिक्कत बहुत बड़ी क्या हो जाती है कि यहाँ पर पिछले साल स्टूडेंट्स ने क्या किया कि ऐसे ऊपर नीचे सब्जेक्ट भर दिए, ठीक है, बाद में पता चला कि मुझे ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं था। तो ऐसा आपको गलती जो है नहीं करनी है, आपको वही सब्जेक्ट्स भरने हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब भाई आपको इंटरेस्ट ही नहीं है संस्कृत में और आपको संस्कृत दे दी जाए बीए में, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो यहाँ पर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 8, पॉइंट नंबर 8, वेटेज क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट ड्यूरिंग सेशन 2022-23 शैल रिमेन सेम इन द सेशन 2021-22। यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो है यहाँ पर 2021-22 जो पिछले साल बनी थी उसी के जैसे सेम टू सेम बनेगी, यानी कि वही चीज़ें वही रूल्स फॉलो होंगी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें यहाँ पर आपकी परसेंटेज देखी जाती है 12th की, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया जैसे कि NCC, NSS या फिर कोई स्पोर्ट्स कोटा का रिजर्वेशन पॉलिसी, तो उनकी भी यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए पॉइंट नंबर 9, द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी फॉलोड इन लेटर एंड स्प्रिट। यानी कि यहाँ पर जो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी फॉलो होगी, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 10, मेरिट लिस्ट फॉर सेशन 2022-23 शैल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसिडरिंग मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम वेटेज एंड स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। वही बातें हैं, बार बार इन्होंने जो है हर एक चीज़ को अलग अलग खोल के लिखा हुआ है। मैंने आपको एक सेंटेंस में बता दिया कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपके 12th के नंबरों के ऊपर, आपके रिजर्वेशन की कोई अगर सर्टिफिकेट आपने लगाई है तो उसके ऊपर, ठीक है, इस हिसाब से बनेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बार बार याद आ रहा है पॉइंट नंबर 11, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शैल बी कैरिड आउट बाय द कॉलेज ऑप्टेड एज फर्स्ट चॉइस बाय द एप्लीकेंट। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे जैसे कि 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की सर्टिफिकेट, ठीक है, आधार कार्ड या फिर कहें कि आपकी यहाँ पर फैमिली आईडी, तो इन सब को यहाँ पर चेकिंग होगी। अब जैसे आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए कि भाई मुझे इन 3 कॉलेजों में फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर ऐसा तो है ना कि 3 कॉलेज 3 बार आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, आप जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसमें ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 12, आल्सो कॉलेजेस शैल एंश्योर द इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स सीट्स। यानी कि जो स्पोर्ट्स सीट्स होती हैं, हर एक कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स खेल में यहाँ पर अच्छे होते हैं ना, स्पोर्ट्स में खेल वगैरह में, तो उनके लिए अलग से सीट्स होती हैं। जैसे कि एक कॉलेज है उसमें 100 बच्चों का एडमिशन होना है, तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो खेल में अच्छे होंगे, उनका एडमिशन अलग से होगा, ठीक है, तो उनका कंपटीशन घट जाता है, समझ गए। नहीं समझे कोई नहीं, मत समझो, इतना ज़रूरी नहीं है। आगे चलिए 13, द एप्लीकेंट हुज एडमिशन इज कन्फर्म्ड शैल सबमिट हिज हर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन द कॉलेज विद इन 10 डेज ऑफ एडमिशन, ठीक है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन जो है उसका हो जाता है, ठीक है, कॉलेज में, तो उसको जो है 10 दिन के अंदर अंदर अपनी ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करनी है। अब एक लाइन इन्होंने आगे और लिखी है, इफ़ ही सी हैज़ पास्ड द क्वालिफाई एग्जाम फ्रॉम एनी अदर बोर्ड देन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। यानी कि अगर आप हरियाणा बोर्ड से ही थे तो फिर आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है जमा करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप CBSE से थे, पंजाब बोर्ड से आए हो, राजस्थान बोर्ड से करके आए हो 12th, तो आपको जो है एडमिशन लेने के 10 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवानी है, वरना आपका एडमिशन कट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 14,
टाइमली सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिटर्न इन द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी शैल बी एंश्योर्ड बाय द कॉलेजेस ओनली। ये कॉलेजेस के लिए है, आपका काम का नहीं है। आगे देखिए, द कॉलेजेस शैल एंश्योर द सीट्स, ये भी कॉलेज के लिए है। इसके अलावा आगे ये आपके काम की चीज़ है 16 नंबर पे, रिफंड इफ़ एनी टू द स्टूडेंट शैल बी एंश्योर्ड बाय द कॉलेज ओनली एज पर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी रूल्स। ठीक है, यानी कि जैसे कई बार क्या होता है, एक स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में, अब उसको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, उसके किसी रिश्तेदार ने कहा कि भाई मेरे पास आ जा, यहाँ पर पढ़ ले आके। ठीक है, तो अब उसको नाम कटवाना है, अपना एडमिशन वापस कटवाना है, ठीक है, और फीस वापस लेनी है, तो उसको फीस तो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे कि भाई उसको जो है कंप्लीट फ़ीस नहीं मिलती, ठीक है, और उसको जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ गए? तो ये आगे आपको वीडियो बना के मैं बता दूंगा, अगर किसी का यहाँ पर एडमिशन जो है कटवाना होगा किसी को, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, लेकिन पहले एडमिशन ले तो लो, कटवाओगे तो तब। आगे चलते हैं 17, द मोड ऑफ फी कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2022-23 विल बी ऑनलाइन। यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन आपकी फ़ीस जमा होगी, ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है कि पैसे ले गए और किसी को पकड़ा के आ गए, ऐसा नहीं होगा, ऑनलाइन आपको फ़ीस कटवानी पड़ेगी। ठीक है, समझ गई? आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल इज़ मैंडेटरी फॉर एडमिशन सीकर्स इन नो सर्कमस्टांसिस, इन नंबर ऑफ सर्कमस्टांसिस एडमिशन विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल शैल बी अलाउड। यानी कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको जो है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ऊपर फॉर्म भरना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये नहीं है कि भाई उठे घर से और गए कॉलेज में कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए, जैसे स्कूल में होता था, पापा ने आपकी उंगली पकड़ी और स्कूल में ले गए, भाई इसका एडमिशन कर दो, तो ऐसा कॉलेज में नहीं होगा। पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा। ठीक है, हाँ कुछ केसेस में अगर कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, फॉर्म नहीं भर पाए या फिर कुछ और दिक्कत हो गई, तो यहाँ पर सोच विचार किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फॉर्म सबको भरना है। इसके बाद 19, द स्टूडेंट्स विल बी इनिशियली गिवन प्रोविजनल एडमिशन ओनली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स बाय द कॉलेज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। इन केस ऑफ एनी डिस्परेंसी एट एनी स्टेज द कॉलेज इज अथोराइज टू कैंसिल द एडमिशन। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन देगा कॉलेज को, तो उसका एडमिशन आगे चलकर भी यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। जैसे कि तुमने जो है फॉर्म भर दिया और अपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, ठीक है, जैसे कि फर्जी यहाँ पर कुछ भी लगा दिया, मान लीजिए अपनी फैमिली आईडी जो है वो डुप्लीकेट लगा दी, फर्जी लगा दी, ठीक है, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट फर्जी लगा दिया, डोमिसाइल, तो अगर बाद में कॉलेज को पता चलता है कि ये गलत है, फर्जी है, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आगे यहाँ पर आप देखिए, अब जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, वीडियो लंबी हो गई। इसके बाद जो है 20 का आपके लिए नहीं है, कॉलेज के लिए है। 21 जो है वो भी यहाँ पर कॉलेज के लिए है। 22 देखिए, फ्रेश इंस्ट्रक्शंस इफ़ एनी सेल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये वेबसाइट दी गई है, इसके ऊपर सारी की सारी आगे की डिटेल्स आएंगी। यानी कि आप फॉर्म भर दो कि उसके पास मेरिट लिस्ट है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर चेक करनी है। उसके बाद फीस वगैरह जो है वो भी इसी वेबसाइट पर, सब कुछ इसी वेबसाइट पर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर जो है ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 23 पॉइंट में, देखिए इस पर आप लोग है हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो गाइज ये कुछ यहाँ पर बातें थी जो कि यहाँ पर आप लोग जो है फॉलो करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा गाइज कुछ और बातें हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन जो पिछले साल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने गलतियाँ की थी, या फिर जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पर मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए सुनिए, आपको जो है ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। कहने का मतलब क्या है कि 1 अगस्त से आपके फॉर्म निकलेंगे और 8 अगस्त तक आप भर सकते हो। ठीक है, तो जो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बात पता चल जाएगी, उनको ये नहीं है कि 1 तारीख को ही सारे के सारे फॉर्म भरने चले गए। ठीक है, पहले दिन जो है यहाँ पर आपको देखना है कि भाई जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी क्या गलती हुई। ठीक है, उनके साथ यहाँ पर जो है कोई गलती तो नहीं हो गई है उनके फॉर्म में। यानी कि होता क्या है, जैसे आप कोई भी काम है, स्टार्टिंग है, सबसे पहले ही करने चले गए, तो हो सकता है कि भाई आपके साथ गलती हो, फिर प्रॉब्लम हो जाए, दोबारा फॉर्म भरना पड़े, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़े। इससे अच्छा है 1 दिन वेट कीजिए, पहले देखिए और लोग भर रहे हैं, ठीक है, उनका सही भरा गया, तो कोई नहीं, 2 तारीख को आप भरिए आराम से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, कुछ एक ऐसे महानुभाव थे जो जैसे कि उनका 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट थे, तो 17 को ही चले गए भरने, सुबह पहले ही पहुँच गए दुकान पर, भरने लग रहे हैं, अब उनको पता नहीं चला, गलत भर दिया फॉर्म। ठीक है,
फिर यहाँ पर दोबारा से फॉर्म भरना पड़ा उनको, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पर 1 तारीख से अगर स्टार्ट है तो 2 से हम भरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 8 अगस्त तक आराम से भर लेंगे। लेट भी मत कर देना, कभी कहो कि भाई आपने कहा था लेट करना है। लेट करने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनना कि 1 तारीख को सुबह 8 बजे चले गए, ठीक है, समझ गए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है अच्छे से फॉर्म भरना है, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन अच्छे से भरना है, कोर्स अच्छे से सिलेक्ट करना है। कभी BBA करना हो और फॉर्म वाला तुम्हारा BA भर दे, BCA करना हो तुम्हें और फॉर्म वाला BSc भर दे, तो ये सारे की सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान से देखनी है, ठीक है। ये गलतियाँ हुई हुई हैं स्टूडेंट से, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है दो दो बार फीस कटवानी पड़ जाती है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो भाई, तुम्हें जो है ये अलग से जो है खर्चा ना उठाना पड़े, इसलिए बता रहा हूँ। फ़ीस जब भी भरो तो आराम से, यहाँ पर पोर्टल जो है सही चल रहा है तभी फ़ीस भरनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही देने हैं, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एडमिशन हो रहा है और तुम कह रहे हो कि सर मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर तुम्हारा एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में। उन डॉक्यूमेंट्स को देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं, कौन से नहीं हैं, उनको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, ठीक है। सो गाइज, ये कुछ ज़रूरी बातें थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, सक्सेसफुली तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो कहोगे कि भाई वो 15-16 मिनट हमारी इन्वेस्ट हो गई, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।